नमस्कार, मैं प्रिया, बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। IGIMS में मरीजों के स्वजनों की एंट्री हुई बंद, संविदा स्वास्थ्य कर्मी हुए होम आइसोलेशन पर। जीतन राम मांझी ने केंद्र सरकार से मदद नहीं मिलने की कही बात। बिहार के कई जिलों में येलो तो कई जिलों में ग्रीन अलर्ट किया गया जारी। मजदूरों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम लिखी चिट्ठी। चले बढ़ते हैं बिहार की अब तक की शाम की खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में दो विधायकों ने दुबई से मंगवाया ऑक्सीजन। कोविड-19 के माहौल में ऑक्सीजन की मांग काफी ज्यादा बढ़ गई है। वहीं इसी बीच बिहार में दो विधायकों ने दुबई से ऑक्सीजन मंगवाया है, जिससे नवादा जिले के रहने वालों को बड़ी राहत मिली है। मिली जानकारी के अनुसार राजद के विधायक नवादा विधायक विभा देवी और गोविंदपुर विधायक मोहम्मद कामरान जिला प्रशासन को 200 ऑक्सीजन सिलेंडर सौंपने वाले हैं, जो कि दुबई से मंगवाई गई थी और इसे राजधानी दिल्ली में बीते दिन ही पहुंचा दिया गया है। विधायक के प्रतिनिधियों ने बताया कि अचानक हुए ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत के कारण बिहार में सिलेंडर नहीं मिल पा रही थी। देश की राजधानी समेत कई जगहों पर सिलेंडर मंगवाने का प्रयास किया गया, मगर सिलेंडर कहीं नहीं मिला। इसी समस्या को देखते हुए विधायक मोहम्मद कामरान ने उसे दुबई से मंगवाया और मंगलवार को यह प्लेन से दिल्ली पहुंच गई। ग्लोकल हॉस्पिटल वार्ड बॉय को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भागलपुर के ग्लोकल हॉस्पिटल में छेड़खानी का मामला हाल ही में सामने आया है, जिसके तहत महिला से छेड़छाड़ के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि आरोपी ज्योति कुमार ने अस्पताल में वारदात को अंजाम दिया था। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पीड़ित महिला ने कुछ दिन पहले ही मीडिया कर्मियों के समक्ष पटना में छेड़खानी को लेकर बयान दिया था। उसने बताया था कि अपने पति और मां के कोरोना संक्रमित होने के बाद दोनों को भागलपुर जिले के सबौर थाना अंतर्गत ग्लोकल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। इलाज के क्रम में ग्लोकल अस्पताल के कर्मचारी ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी, जिसके बाद पीड़िता के मीडिया में दिए गए बयान के वीडियो के आधार पर ही पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी ज्योति कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पप्पू यादव की पत्नी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दी चेतावनी। 32 साल पुराने मामले में पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद से लगातार पप्पू यादव के समर्थकों का विरोध देखने को मिल रहा है। इसी बीच पप्पू यादव की धर्मपत्नी ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खुली चुनौती दे दी है, जिसके तहत पप्पू यादव की पत्नी पूर्व सांसद रंजीता रंजन ने कहा कि अगर पप्पू जी को कुछ हुआ, जिसकी मुझे आशंका है, तो नीतीश जी आपके लिए और बिहार की एनडीए सरकार के लिए ठीक नहीं होगा। अगर इस दौरान पप्पू जी के साथ कुछ भी हुआ तो पूरी जिम्मेदारी बिहार की एनडीए सरकार की होगी। पप्पू जी के साथ कोई बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, ये गुस्सा और नाराजगी जाहिर करते हुए पप्पू यादव की पत्नी और कांग्रेस के पूर्व सांसद रंजीत रंजन ने बिहार की नीतीश सरकार को साफ साफ चेतावनी दी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि 32 साल पुराने मामले में पप्पू यादव को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत पर बीते दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ उनकी पेशी के बाद भेज दिया गया है। नियोजित शिक्षकों का अगले महीने होगा तबादला। कोविड-19 के माहौल के बीच नियोजित शिक्षकों को अगले महीने बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, जिसके तहत शिक्षकों का तबादला अगले महीने करने की तैयारी हो रही है। शिक्षा विभाग के अनुसार नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली के आधार पर तबादला का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। पारदर्शी तरीके से तबादला के लिए सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। तबादला के पहले शिक्षकों से आवेदन लिए जाएंगे। इसके साथ ही शिक्षिकाओं और दिव्यांग शिक्षकों को दूसरे जिलों में ऐच्छिक तबादले का लाभ मिलेगा। हालांकि यह भी साफ कर दिया गया है कि पुरुष शिक्षकों का अंतरजिला तबादला रिक्तियों के आधार पर किया जाएगा। इसके साथ ही अधिक उम्र के शिक्षकों को कम उम्र के शिक्षकों की तुलना में पहले तबादले का लाभ मिलेगा। बिहार के एक और आईएएस अधिकारी ने कोविड-19 के कारण गवाई जान। कोविड-19 के कारण कई नामचीन व्यक्ति की जान बिहार में चली गई है। इसी क्रम में बिहार में एक और आईएएस अधिकारी ने कोविड-19 के आगे हार मान ली है। जानकारी के अनुसार आईएएस अधिकारी रामेश्वर पांडे की कोविड-19 संक्रमण के कारण जान चली गई है। वो पिछले कई दिनों से पटना के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती थे, जिसके बाद बीते शाम उन्होंने आखिरी सांस ली। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि आईएएस अधिकारी रामेश्वर पांडे खनन विभाग में निदेशक के पद पर पदस्थापित थे। रामेश्वर पांडे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ऑब्जर्वर भी बनाए गए थे। बंगाल चुनाव संपन्न होने के बाद वो वापस बिहार लौटे थे। वहीं एक और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी कुंवर जंग बहादुर ने भी कोविड-19 के कारण अपनी जान गंवाई। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के होम आइसोलेशन पर जाने के बाद बाधित होगी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं। बिहार में आज स्वास्थ्य सेवा बुरी तरीके से प्रभावित होने का अनुमान जताया गया है। मिली जानकारी के अनुसार संविदा पर बहाल स्वास्थ्य कर्मी होम आइसोलेशन में चले गए हैं, जिसके कारण ही आज कोरोना जांच से लेकर के स्वास्थ्य सेवा पूरी तरीके से प्रभावित है। मिली जानकारी के अनुसार कुल मिलाकर के 27,000 संविदा पर बहाल स्वास्थ्य कर्मी आज आइसोलेशन में चले गए हैं। राज्य संविदा स्वास्थ्य कर्मी संघ के सचिव ललन कुमार की माने तो होम आइसोलेशन पर जाने वाले संविदा स्वास्थ्य कर्मियों में फार्मासिस्ट, ANM, लैब टेक्नीशियन, एंट्री ऑपरेटर आदि शामिल है। उन्होंने आगे बताया कि अपनी मांगों के समर्थन में कई बार पत्र दिए जाने के बावजूद बिहार सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में प्रदेश के सभी स्वास्थ्य कर्मी बुधवार से होम आइसोलेशन पर जा रहे हैं। IGIMS में मरीज के स्वजनों की एंट्री हुई बंद। कोविड-19 ऐसी बीमारी बनकर सामने आई है कि आपके परिवारजन भी आपके साथ अस्पताल में नहीं रह सकते हैं। इसी बीच IGIMS में स्वजनों की एंट्री पर बीते दिन से रोक लगा दी गई है। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल ने बताया कि सभी की सुरक्षा और संक्रमण रोकने के लिए स्वजनों को रोका गया है। वार्डों में मरीजों की सेवा के लिए
वार्ड अटेंडेंट बढ़ाए गए हैं। किसी तरह की कोई शिकायत मरीज या स्वजन की तरफ से आती है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि IGIMS में के इस नए फैसले के बाद मरीजों के परिजनों ने अस्पताल पर भी खूब सारे आरोप लगाए। लोगों का कहना है कि वार्ड में मरीजों की सही देखभाल नहीं होती है, उन्हें खाना खिलाने के लिए भी कोई नहीं ले जाता है, सफाई भी खास नहीं देखी जाती है, सुबह ही केवल डॉक्टरों की राउंड होती है, इससे पहले सफाई की जाती है। बिहार में अब जर्जर सड़क की भेज सकते हैं रिपोर्ट। बिहार में अब जर्जर सड़क की मरम्मत के लिए एक नई पहल की शुरुआत की गई है, जिसके तहत अब आम आदमी भी किसी भी जर्जर सड़क की शिकायत पथ निर्माण विभाग से कर सकेंगे। उनकी शिकायत पर त्वरित कार्रवाई होगी। इसको लेकर पथ निर्माण विभाग ने इस बाबत बिहार पथ संधारण मोबाइल ऐप को विकसित किया है। इस ऐप की खासियत यह है कि जैसे ही कोई व्यक्ति बिहार पथ संधारण मोबाइल ऐप पर सड़क से जुड़ी शिकायत या फिर सुझाव को डालेगा, वैसे ही वो पथ निर्माण विभाग के नियंत्रण कक्ष के पास पहुंच जाएगा, जिसके बाद नंबर पर SMS पर यह एक्नॉलेजमेंट भी मिल जाएगी कि आपकी शिकायत दर्ज कर ली गई है। इसके साथ ही कार्रवाई किस तरह से हुई है ये भी बताएंगे। ऐप की लॉन्चिंग के मौके पर पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि विभाग सड़कों की अच्छी गुणवत्ता और रखरखाव को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। पप्पू यादव को भेजा गया वीरपुर जेल। 32 साल पुराने मामले में बीते दिन पप्पू यादव को एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। बाद उन्हें रातोंरात मधेपुरा पुलिस जब मधेपुरा कोर्ट पहुंची तो कानूनी कार्रवाई के बाद उन्हें सुपौल के वीरपुर स्थित जेल भेज दिया गया। इसके पहले मधेपुरा शहर को बीती रात पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया, जिसके तहत बड़ी तादाद में पप्पू यादव के समर्थक सड़क पर जमा दिखे। वहीं इस दौरान पप्पू यादव ने कहा कि यह बड़ी साजिश के शिकार हुए हैं, सरकार के मंत्री मेडिकल माफिया के गठजोड़ के कारण उनके खिलाफ 32 साल पुराना मामला तलाश कर निकाला गया और उन्हें जेल भेजा गया। पप्पू यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी गिरफ्तारी को लेकर नहीं मानी गई। बिहार के कई जिलों में येलो तो कई जिलों में ग्रीन अलर्ट किया गया जारी। बिहार में मौसम का मिजाज काफी ज्यादा बदला नजर आ रहा है। यही कारण है कि मौसम वैज्ञानिकों ने बिहार के आधे जिलों में येलो अलर्ट तो आधे जिले में ग्रीन अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो पश्चिमी विक्षोभ पूर्व की तरफ से बढ़ रही है और एक निम्न दबाव की रेखा राजस्थान से असम और बिहार से होते हुए निचले स्तर से गुजर रही है, जिससे प्री मानसून की गतिविधियां 14 मई तक जारी रहने का पूर्वानुमान है। बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश में गरज के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का पूर्वानुमान है, जिसके तहत ही मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार के 19 जिलों के लिए ग्रीन अलर्ट और बिहार के 19 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बक्सर जिले के गंगा नदी में मिले शवों से दुखी दिखे मुख्यमंत्री नीतीश। कोविड-19 के इस माहौल में जान गंवाने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसी बीच बक्सर जिले के गंगा नदी में कई शवों को तैरते देखा गया, जिसके बाद से मानवता को लेकर कई सवाल उठाए जाने लगे। हालांकि प्रशासन इस बात को लेकर प्रतिबद्ध है कि सभी उत्तर प्रदेश के रास्ते बक्सर जिले से आए हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी इस बात का बहुत दुख पहुंचा है, जिसके तहत जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इतनी संख्या में शव बरामद होने और नदी में उन्हें प्रवाहित किए जाने से तकलीफ पहुंची है, क्योंकि वो गंगा नदी की स्वच्छता और निर्बाध प्रवाह को लेकर हमेशा चिंतित रहे और उन्होंने जिला प्रशासन को नदी किनारे गश्ती बढ़ाने को कहा है ताकि इसकी पुनरावृत्ति ना हो। फतुहा में मेडिकल ऑक्सीजन की एयर सप्रेशन यूनिट में आज से होगा उत्पादन। बिहार में ऑक्सीजन की कमी कोविड-19 के इस लहर में काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, जिसके बाद से ही लगातार सरकार ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने में जुट गई है। इसी क्रम में फतुहा में मेडिकल ऑक्सीजन की एयर सेपरेशन यूनिट की शुरुआत सोमवार से हो गई थी, जिसके बाद आज से इसमें उत्पादन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। उद्योग विभाग की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक इन चारों यूनिट की उत्पादन क्षमता कुल मिलाकर के T-TIL के 2500 सिलेंडर की होगी। पटना के दोनों प्लांटों में उत्पादन चालू से पटना जिले की आपूर्ति काफी हद तक सुविधाजनक हो जाएगी। अगर मेडिकल ऑक्सीजन की वर्तमान स्तर पर मांग स्थिर रही, एक तरह से आपूर्ति की स्थिति सरप्लस हो जाएगी। वहीं इस मामले में उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि आज से बर्नपुर और बोकारो की सेल यूनिट के लिक्विड ऑक्सीजन का उठाव प्रारंभ है। फतुहा में एक एयर सेपरेशन यूनिट भी शुरू है। प्रतिदिन 600 सिलेंडर की क्षमता से इजाफा होगा। शहाबुद्दीन के परिवार से मिलने जाएंगे तेज प्रताप यादव। कोविड-19 से संक्रमित होने के कारण शहाबुद्दीन ने कुछ दिनों पहले ही दुनिया को अलविदा कह दिया है। हालांकि इस वक्त राजद के खिलाफ शहाबुद्दीन के समर्थकों की नाराजगी इसलिए देखने को मिली क्योंकि उनके अंतिम यात्रा के दौरान राजद की तरफ से कोई भी शामिल नहीं हुआ था, जिसके बाद अब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे शहाबुद्दीन के परिवार को मनाने के लिए जाने वाले हैं। मिली जानकारी के अनुसार यह पहली बार होगा जब लालू परिवार का कोई सदस्य शहाबुद्दीन के गांव जाएगा। तेज प्रताप ने इस दौरान पटना, सिवान और सारण के जिलाधिकारी को सूचित कर जरूरी सुरक्षा मुहैया कराने की अनुमति मांगी है। लालू प्रसाद के बड़े बेटे और हसनपुर के विधायक तेज प्रताप यादव आज शहाबुद्दीन के गांव प्रतापपुर जाएंगे, जहां इसके लिए उन्होंने जिला प्रशासन और पुलिस को इसकी जानकारी दे दी है। जानकारों की माने तो पिछले कुछ दिनों से शहाबुद्दीन के समर्थक लालू परिवार के प्रति नाराज है। कुछ दिनों पहले ही शहाबुद्दीन समर्थकों ने राजद के खिलाफ प्रदर्शन किया था। ऐसे में अगर तेज प्रताप प्रतापपुर जाते हैं तो उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। जीतन राम मांझी ने केंद्र सरकार से मदद नहीं मिलने की कही बात। बिहार में कोविड-19 के माहौल में हम प्रमुख जीतन राम मांझी
जोशी ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया, जिसके तहत उन्होंने कहा कि बिहार को केंद्र सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अकेले अपने दम पर बिहार को संभालने में लगे हुए हैं, जिसके तहत जीतन राम मांझी ने हाल ही में अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि कई योजनाओं में केंद्र के हिस्से का पैसा बिहार को नहीं मिल रहा है, जिससे सूबे का विकास प्रभावित हो रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं नीतीश कुमार को कि बिना केंद्रीय मदद के आपने आपदा की इस घड़ी में शिक्षकों का वेतन दिया, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डॉक्टरों की नियुक्ति कर रहे हैं। केंद्र सरकार के रवैये को लेकर सिर्फ जीतन राम मांझी नहीं बल्कि बार बार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी कहते रहे हैं कि केंद्र बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और यहाँ के सांसद जो केंद्रीय मंत्री भी हैं वो ऐसा होने दे रहे हैं। मजदूरों ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लिखी चिट्ठी। कोविड 19 के माहौल में जहां मजदूरों की नौकरी जा रही है, ऐसे में हिमाचल से एक मामला सामने आया है जहां पर बिहार के मजदूरों के साथ धोखा देने की बात कही गई है। इस बाबत हाल ही में मजदूरों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर पत्र भी जारी किया है। उनका आरोप है कि शिमला जिले के सुन्नी तहसील के गड़ाहू गांव में एक व्यक्ति की बिल्डिंग का काम किया, लेकिन अब वो पैसा देने से इनकार कर रहा है। करीब 2,10,000 रुपए बकाया है। मजदूरों का आरोप है कि हमें बिना पैसा लिए यहां से भागने के लिए कहा जाता है, हमें मारने के लिए दराट भी लेकर आया जाता है। हम गरीब लोग हैं और पिछले 2 महीने से घर के लिए कुछ भी पैसा नहीं भेज पाए हैं। कोरोना के चलते हमें और हमारे परिवार को बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कोविड 19 के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का अपनी मांगों को लेकर होम आइसोलेशन में जाने का फैसला सही है या नहीं? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।